आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भजन लाल शर्मा साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा और कैबिनेट में मेरे साथी खर्रा साहब, हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और आपके अपने इलाके के बहुत बड़े नेता राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई ओम शर्मा जी, उपेंद्र यादव जी जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, संतगण, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन मैं कोटा के सांगोद में गया था। हमारी पार्टी की आक्रोश रैली थी तो मंच पर भाषण के दौरान ये मधुबाला जो भी मंच पर बैठी हुई है चढ़ गई, विलाप करने लगी, कहने लगी कि हम वीरांगनाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। चलिए आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं शाहपुरा और सुनाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी बात सुन लो मुख्यमंत्री जी, केवल इतनी सी बात कहनी थी। मैं इनको लेके गया, अब मैं सांसद था राज्यसभा से तो स्वभाव के हमको तो कोई घुसने में दिक्कत नहीं होती, और जब एक सांसद के साथ वीरांगना जाए तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम विधानसभा में मिलना चाहते थे लेकिन मिलने के बजाय विधानसभा का दरवाजा बंद कर दिया और हमको उठा के धक्का मारते हुए राजस्थान की पुलिस, गहलोत वाली पुलिस, धक्का मारते हुए हमको शहर के एक चौराहे पर ले जाके छोड़ दिया। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। हमने तय किया, मैंने तय किया, जो देश के लिए जिसने बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, उस वीरांगना के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी, अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने इनको कहा, मन का यहीं रहना है। बरसात बरस रही थी, हम वहां शहीद स्मारक पर इनके नन्हे मुन्ने बच्चों, रोहतास लांबा का छोटा सा बच्चा है, ये सुंदरी के छोटी सी बच्ची है और ये मधुबाला, हम धरने पर शहीद स्मारक पर बैठे रहे। मैंने इनको कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने सुनना पसंद नहीं किया तो मेरे को राज्यपाल महोदय के पास ले गया। राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया और ये कहा कि इनका क्या दोष है, ये सड़कों पर धक्का खा रही है। तो राज्यपाल ने कहा मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा लेकिन मेरे को सलाह दी कि डॉक्टर साहब आप आए हो तो बगल में मुख्यमंत्री रहते हैं, इनको मिला लो। मैंने तो सोचा, मेरे को तो कर्फ्यू लगा रखा था, पूरे 5 साल तक सिविल लाइन में डॉक्टर किरोड़ी लाल के लिए गहलोत सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा था, नो एंट्री। फिर भी मैं पहुंच जाता था, पता नहीं कहां से। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं भजन लाल जी उस बंगले पे जाएं जहां गहलोत साहब रह रहे हैं, तो मेरे को कम से कम सिविल लाइन में तो एंट्री मिले। तो ये मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, आप चली जाओ। ये भागी भागी मुख्यमंत्री के मिलने के, मैंने कह दिया जाओ आप मिल लेना मुख्यमंत्री, मैं वहीं खड़ा रहा। एक बच्चे को मैंने गोद में ले लिया, एक बच्ची को हम भूल गए जो सुंदरी के साथ थी। ये जैसे ही मुख्यमंत्री के घर के आगे पहुंची वीरांगनाएं तो पुलिस आई, इनकी चोटी पकड़ी आपने देखा होगा, सड़कों पे घसीटा आपने देखा होगा, इनका साड़ी खींची वो आपने देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची सुंदरी उनके बीच में फंस गई, अगर कुचलती जाती तो वो मर जाती, आपने ये वीडियो जो वायरल हुआ था उस पे देखा। फिर उनको पुलिस लठ मार के जूता जाती कर कर के गाड़ी में ले गई और इनके पिन चुभाती हुई गई और उस शहीद स्मारक पे छोड़ दिया। मैं वहां चला गया, इनको मैंने विलाप करते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो मैंने तय किया या तो गहलोत से मिल के जाएंगे या गहलोत लाठी गोली चलाएगा। जब